कोर कमेटी में है, उस कोर कमेटी की बैठक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में होगी और आने वाले दिनों में क्या हमारी रणनीति होगी, कौन से कार्यक्रम रहेंगे, उसका पूरा नियोजन होगा। साथ ही साथ हमारे जितने भी अग्रिम संगठन है, हमारे विभाग है, उनके प्रदेश अध्यक्षों के साथ विस्तारपूर्ण चर्चा होगी, उनके कार्यक्रमों के बारे में, उनके विभिन्न प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे। और कल बड़ौदा में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में तमाम पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरीज, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स, उनके साथ भी मिलकर उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आने वाले दिनों में कार्यक्रमों का नियोजन कैसा होगा, उस पर निगरानी कैसी रखनी होगी, किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन सभी लोगों को सभी विषयों पर बातचीत होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से यहाँ पर गुजरात का हमारा पूरा का पूरा कांग्रेस का नेतृत्व, हमारे नौजवान साथी जिस तरह से अभी पूरे मुस्तैदी के साथ यहाँ पर अपना राजनैतिक दायित्व निभाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है, जो खोई हुई हमारी जगह गुजरात की राजनीति में रही है उसको फिर दोबारा हासिल करने के लिए हम जो भी कारगर कदम उठाने हैं वो कारगर कदम हम उठाएंगे। देखिए, कुछ चीज़ें संगठन में ऐसी होती है कि जिसके ऊपर हम कोई समय निश्चित नहीं करते, जहाँ पर जिस तरह की भी आवश्यकता जब जब रहेंगी तब तब मैं समझता हूँ कि संबंधित नेतृत्व अपना निर्णय लेते रहेगा। देखिए, यह तो महज एक शुरुआत है। जिस तरह का वातावरण पूरे मुल्क में बना है, हाहाकार मचा हुआ है, समाज का हर वर्ग परेशान है, पूरी तरह से अपने आप को असहाय जो समझ रहा था, ये इंडिया का जो अलायंस बना है उसको देखकर एक आत्मविश्वास अब आम लोगों में नज़र आने लगा है और कुछ हद तक के वो ये चुनावों के परिणामों में नज़र आया। लेकिन ये एक महज शुरुआत है, आगे हमारा रास्ता और भी मजबूती से हम आगे चलने का प्रयास करेंगे। भारत के संविधान में भी इंडिया दैट इज़ भारत इस तरह का उल्लेख है और भारत और इंडिया के बीच में किसी भी तरह का विवाद है ये हम नहीं मानते। लेकिन एक तरफ इंडिया के नाम से जो अलायंस बना है, जिस तरह से लोगों का रुझान उसके पीछे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से आज के प्रधानमंत्री को उसका खौफ हुआ है और इसी का नतीजा है कि महत्वपूर्ण विषयों से ध्यान हटाने के लिए वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। भारत में हमारा विश्वास है, इंडिया में हमारा विश्वास है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह के विश्वास को लेकर ये जो चीज़ें हो रही है वो कोई और उद्देश्यों से हो रही है।